हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। मैं हूँ मीनल और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है मीनल फैमिली एंड हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, ये संडे का दिन था और मैं हर दिन से थोड़ा सा आराम से उठी थी, और वैसे तो नाश्ते के बाद चाय लेती हूँ, लेकिन आज मन हुआ दिन की शुरुआत चाय के साथ करने का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताती हूँ, आज के वीडियो से लेकर अब आने वाला मेरा हर एक वीडियो हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में पब्लिश होगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दो प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। एक प्लेलिस्ट में हिंदी में वीडियो होगा और दूसरी प्लेलिस्ट में सेम वीडियो मराठी में होगा। और आज संडे है तो संडे को सुरभि और उसके पापा दोनों आराम से उठते हैं। मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हेवी नहीं बनाती हूँ संडे को, हाँ दोपहर का लंच ही मैं थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ। तो अब घर के छोटे मोटे काम खत्म करके आपसे फिर मिलती हूँ, और आज लंच में क्या बनेगा वो भी आपको बताऊंगी। आज संडे है लेकिन सुरभि का अबैकस का क्लास चल रहा है ऑनलाइन, एक घंटे के लिए होता है। लॉकडाउन से पहले वो जाती थी क्लास के लिए, लेकिन लॉकडाउन में थोड़े दिन के लिए बंद हो गया था क्लास, और फिर उन्होंने फिर से ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया। उसके बुक्स लेकर आए थे 3-4 दिन पहले ही उसके पापा, और अब वो कंटिन्यू करने वाली है क्लास। काफी मजेदार है ये और उसे भी पसंद आया है ये अबैकस। और आज खाने में बनेगा पनीर, 200 ग्राम पनीर है ये। लौकी का हलवा भी बनेगा, लौकी या दूधी भी कहा जाता है इसे, बहुत हेल्दी होती है ये, लेकिन काफी सारे लोग इसकी सब्जी उतने मन से खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आज मैं इसका हलवा बनाऊंगी। सबसे पहले लौकी के साइड्स को थोड़ा कट करके लौकी को अच्छे से धो लेना है, और फिर उसका छिलका हटा लेना है। छिलका हटा लेने के बाद लौकी को 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे, ताकि इसे ग्रेट करने में, कद्दूकस करने में आसानी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, लौकी का छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करके देख लीजिए हमेशा। लौकी कई बार कड़वी होती है, अगर लौकी कड़वी है तो उसे यूज नहीं करना है। ये लौकी एकदम अच्छी थी और फ्रेश भी थी। अब इसे ग्रेट करेंगे, और ये सफेद वाला पोर्शन ग्रेट नहीं करना है, मीडियम साइज के ग्रेटर से इसे चारों तरफ से ग्रेट करेंगे, और ये बीच वाला सफेद पोर्शन नहीं लेना है। ये देखिए, मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और ये व्हाइट वाला पार्ट हटा दिया है। अब ज्यादा देर नहीं रुकना है, वरना लौकी का कलर तुरंत काला होने के लिए शुरुआत होती है, इसलिए पैन गरम करेंगे, और पैन अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें 1.5 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम होने के बाद उसमें ये लौकी डालनी है, और 7 से 8 मिनट के लिए हमें इसे घी में पकाना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर इसे ढक्कन लगाकर रखेंगे। पनीर की सब्जी के लिए टमाटर की प्योरी बनानी है, उसके लिए 2 टमाटर लिए हैं। हर 1-2 मिनट बाद लौकी में चम्मच चलाते रहना है। इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, ढक्कन लगाकर रख देंगे। और जब तक लौकी पक रही है, हमने टमाटर की प्योरी बनाकर रख ली है मिक्सर में। 4 से 5 लहसुन और छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसका भी मैंने पेस्ट बनाकर रखा है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं है ये, थोड़ा दरदरा सा ही है, और लौकी यहाँ काफी सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें 2 कटोरी फुल क्रीम दूध डालना है। मैंने खोया नहीं डाला है इसमें, इसलिए दूध थोड़ा ज्यादा डाला है, मलाई भी थी इस दूध में। अगर आप खोया डालने वाले हो तो दूध थोड़ा कम डालें। इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर रख देना है 15-20 मिनट के लिए, और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे इसे। पनीर की सब्जी के लिए मैंने
तीन मीडियम साइज के प्याज लंबे और पतले कट करके लिए हैं। जब तक हलवा बन रहा है हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। कढ़ाई गरम हो जाएगी तो उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक देखते हैं हलवा कैसे बन रहा है। हलवे में देखिए दूध में उबाल आ रहा है। इसमें थोड़ा चम्मच चलाकर फिर से ढक्कन लगाकर रख देना है इसे। तेल गरम हो गया है तो अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से भूनते जाना है और हलवे में भी बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। प्याज थोड़ा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूने ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन हट जाए। और फिर इसमें टमाटर की प्योरी ऐड करनी है। जब तक प्याज टमाटर भून रहे हैं मैंने यहाँ 1/2 कटोरी शक्कर ले ली है हलवे में डालने के लिए। थोड़ा दूध एब्सॉर्ब हो गया है लौकी में लेकिन थोड़ा अभी बाकी है। इस स्टेज पर हमें शक्कर डालनी है इसमें और गैस का फ्लेम मीडियम करना है। अब हलवे को ढकना नहीं है, इसे ऐसे ही बिना ढके बनने देंगे। प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं तो अब डालनी है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके भूनते जाना है। यहाँ शक्कर डालने के बाद हलवा और थोड़ा मॉइस्ट हो गया क्योंकि शक्कर पिघल गई है। ये पूरा पानी हटने तक हमें हलवे को पकाना है। जब तक मसाला भून रहा है तब तक हम पनीर को कट करके रखेंगे। मीडियम साइज के स्लाइसेस में कट करके रखा है मैंने पनीर को। मसाला भूनते जाना है जब तक कि वो कढ़ाई के किनारों को छोड़ने ना लगे। और इधर हलवे में अब भी थोड़ा दूध पानी बाकी है। अगर सब्जी का मसाला कढ़ाई में थोड़ा नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से चम्मच चलाते रहें उसमें। मीनवाइल सब्जी के लिए थोड़ा हरा धनिया निकाल कर रख दिया है। हलवे में अब थोड़ा ही पानी बचा है। गैस को बीच बीच में मीडियम फ्लेम पर रखें। यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है। अब सब्जी का कलर भी बढ़िया आ गया है और मसाला अच्छे से भून जाने के बाद बढ़िया सी खुशबू भी आती है। तो अब इसमें पानी ऐड करना है और इसमें डालना है नमक। पानी को एक उबाल आने देना है। जब तक यहाँ पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम हलवे में ऐड करेंगे काजू के छोटे छोटे टुकड़े और इलायची का पाउडर। काजू के टुकड़ों के साथ ही डाल दिया है मैंने इलायची का पाउडर। अब 2 से 4 मिनट हलवे में और चम्मच चलाएंगे और लास्ट में 1/2 चम्मच घी ऊपर से जरूर डालें। घी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर रख दें ताकि घी, इलायची इन सब का फ्लेवर हलवे में अच्छे से उतर आएगा। और 2-3 मिनट बाद देखिए करीब करीब पूरा दूध लौकी में अच्छे से एब्सॉर्ब हो गया है। यहाँ सब्जी के ग्रेवी में भी उबाल आ गया है तो अब इसमें पनीर के स्लाइसेस डाल देने हैं। अब 2 से 3 मिनट सब्जी को उबलने देना है, ज्यादा नहीं वरना पनीर टूटने लगता है। यहाँ हलवा भी बढ़िया से बनकर रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने और ये देखिए एकदम बढ़िया टेक्सचर वाला हलवा रेडी हो गया। पनीर की सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है तो गैस को ऑफ कर दिया मैंने। ठंडी होते होते सब्जी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी।
पराठे बनाने के लिए मैंने आटा लगा कर रख दिया है और सलाद भी कट करके रख दी है। सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब इसमें ऐड करनी है कटी हुई हरी धनिया, और फाइनली सब्जी भी बनकर तैयार है। तो आज की थाली में है लौकी का हलवा, पनीर की सब्जी, पराठे, थोड़ा सलाद। आप भी ये बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।